गर्मी शुरू होने के साथ जंगलों में अब हरा सोना के नाम से विख्यात तेंदुपत्ता शीघ्र निकलेगा। इसकी तोड़ाई से वरांचल वासियों को रोजगार मिलेगा, साथ ही कई तरह की अन्य सुविधा शासन से मिलेगी। मार्च से आसमान में तेज धूप और गर्मी का एहसास शुरू हो गया। अब जंगल में तेंदू के पेड़ की नई पत्तियां आने लगी। अप्रैल मई में इन पत्तों की तोड़ाई शुरू होगी। वहीं वन विभाग फसल आने से पहले खरीदी की तैयारी में जुट गया। इस वर्ष पश्चिम मंडल क्षेत्र में 80,400 मानक बोरा खरीदने का लक्ष्य रखा गया। संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए मिलता है। पश्चिम वन मंडल के DFO शशिगा नंदन ने बताया, तेंदुपत्ता खरीदने के लिए इस साल 80,400 मानक बोरे का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग की ओर से पूरी कोशिश रहेगी। पश्चिम वन मंडल क्षेत्र में 41 समितियां हैं, इसमें 55 लॉट है जिसमें 50 लॉट को ठेकेदार ले चुके हैं। 3 समिति में 5 लॉट बाकी है जिसमें पखानचूर, PV17, PV26 शामिल है। इसमें बिक्री की प्रक्रिया चल रही है। तेंदुपत्ता हितग्राहियों की संख्या लगभग 34,000 जो तेंदुपत्ता तोड़ाई के कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, तेंदुपत्ता तोड़ने के समय यदि मौसम साफ रहा तो लक्ष्य का पूर्ति होने में समय नहीं लगेगा। यदि बदल वाला मौसम रहा तो परेशानी होती है, कीट प्रकोप से तेंदुपत्ता खराब हो जाता है। वहीं बेमौसम बारिश से एकत्र तेंदुपत्ता खराब हो जाता है। बहरहाल देखा जाए तो तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य क्वालिटी गुणवत्ता में भानु प्रतापपुर के दोनों मंडल प्रदेश में अग्रणी रहे। वन कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण तेंदुपत्ता कार्य प्रभावित हो सकता है। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।